हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए एम्स नारसेट एग्जाम में बेहतर तैयारी के लिए जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि बाइलिंगुअल टेस्ट क्वेश्चन पेपर होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 6वां टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 5 क्लासेस हमारी और आई हैं जिनमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पढ़ाए थे। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में। विच ऑफ दी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स शेड्यूल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस केवल एम्स नारसेट एग्जाम में ही आपको सफलता दिलाएंगे, बल्कि नर्सिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि DSSB, ESIC, BHU, SGPGI, RML, UPUMS या ऑल इंडिया जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल का ऐसा सिनेरियो है कि इसमें बिना नर्सिंग सब्जेक्ट के आप कोई भी नर्सिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसलिए आप लोगों को ना चाहते हुए भी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हमारा ये इकलौता चैनल है जो हमारा केवल नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को ही इंक्लूड करता है। केवल वही क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं जो आपके नॉन नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इंडिकेट्स ए सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मौसम की स्थिति बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट का संकेत देती है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन के राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देते रहे। फ्रेंड, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, स्टॉर्मी वेदर, यानी तूफानी मौसम में क्या होता है, बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है उसमें सडन गिरावट होती है। ठीक है, सडन फॉल होती है रीडिंग में। ठीक है, तो ये स्टॉर्मी वेदर कंडीशन को, यानी तूफानी मौसम स्थिति को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्वेस्टर्स आर थंडर स्टॉर्म विच आर प्रोमिनेंट इन, यानी नॉर्वेस्टर तूफान है जो प्रमुख है, यानी नॉर्वेस्टर वो तूफान है जो किस एरिया में आते हैं, किस एरिया से रिलेटेड है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड है। ठीक है, इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डॉल्ड्रम प्रेशर बेल्ट लाइज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स, यानी डॉल्ड्रम दबाव बेल्ट निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ओके, में डोलड्रम दबाव बेल्ट स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी दी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्रोवाइड पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों, ठीक है, यानी प्राइवेट हाथों को आदिवासी भूमि का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर शून्य यानी नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है, यानी नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों की जो भी भूमि है उनको खनन के लिए अगर निजी हाथों को यानी प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है तो किस अनुसूची के तहत उसे शून्य यानी नल एंड व्हाइट घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से वो ताल्लुक रखता है या किसी भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति किसी अन्य धर्म में शादी कर सकता है, तो कौन सा संविधान का अनुच्छेद उसकी रक्षा करता है, उस अधिकार की रक्षा करता है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 21 इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवेन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा हमारे देश का क्या नाम दिया गया है? क्वेश्चंस नंबर 6, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, एक बार ये क्वेश्चन हमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे दिया था तो लगभग 92% लोगों ने गलत आंसर दिया था, जबकि केवल 8% लोगों ने ही सही आंसर इस क्वेश्चन का दिया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, दैट इज भारत, इस टाइप से डिनोट किया गया है संविधान में हमारे देश का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निजता का अधिकार, ठीक है, आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? ठीक है, कुछ आपके पर्सनल राइट्स हैं, ठीक है, कुछ आपकी प्राइवेसी है जिसको आपको किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, तो वो ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेम लेवल ऑफ रेनफॉल। इमेजिनरी लाइन ज्वाइंट प्लेसेस विद, निम्नलिखित में से किस में वर्षा का स्तर समान रहता है? काल्पनिक रेखाएं किन दो स्थानों को जोड़ती हैं? वो कौन सी काल्पनिक लाइंस हैं जो स्थानों को जोड़ती हैं जिनमें वर्षा का जो स्तर है वो लगभग समान रहता है? क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसो हाइट्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए सी ब्रिज फ्रंट इज अ वेदर फ्रंट क्रिएटेड बाय अ सी ब्रिज एल्सो नोन एज अ समुद्री हवा का मोर्चा, यानी वेदर फ्रंट द्वारा बनाया गया एक मौसम मोर्चा है जिसे इसके भी नाम से जाना जाता है, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सी ब्रिज फ्रंट को, यानी जो कि सी ब्रिज द्वारा बनाया जाता है, सी ब्रिज वेदर फ्रंट द्वारा बनाया जाता है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर गेस करें आप सभी। क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन दी हेडली सेल थर्मल सर्कुलेशन एयर राइजेस अप एंड फाइनली डिसेंड्स एट। हेडली सेल में थर्मल सर्कुलेशन, हवा ऊपर उठती है और अंत में नीचे उतरती है, इसे कहा जाता है, को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी वो भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। टोटल कितनी भाषाएं हैं संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, 22, एंड जिसमें इंग्लिश भाषा शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, यानी भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें। एंड क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी प्राइम मिनिस्टरशिप में संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया स्टेबलिश्ड, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी। पहली जो सूती मिल है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स सभी लोग राइट आंसर गेस करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 13। टेन क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द मेन ग्रीवांस ऑफ दी प्लीसेंट इन दी चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज रिगार्डिंग दी चंपारण सत्याग्रह 1907 में किसानों की मुख्य शिकायत थी, किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिन काथिया सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच इज दी ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गांधीज इंटरवेंशन इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 रिजल्टेड इन दी इन्हेंसमेंट ऑफ वेजेस फॉर दी वर्कर्स बाई, यानी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल में एक प्रोटेस्ट किया था, उसके परिणाम स्वरूप मिल में काम कर रहे श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की गई थी, वो वृद्धि कितने परसेंट थी। फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35% की वृद्धि की गई थी उनके वेतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। टेन क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग दी कोलोनियल रूल इन इंडिया दी परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कार्निवलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपेंड इन द ईयर, भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष खोली गई थी। फ्रेंड इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट रेल भारत में चली थी, तो उसका राइट आंसर होगा मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, और किस वर्ष चली थी, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज एमंग द फॉलोइंग बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना। फ्रेंड उसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
एमए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे तब। ओके फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप हमें ये बताएं कि 20 में से आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। फ्रेंड्स, इससे ये जानकारी मिल सकेगी कि आपकी तैयारी लगभग कितनी है। हर बार जब भी कोई टेस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करें तो ये जरूर गेस करते रहें कि हमारे कितने परसेंट क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपको ये आकलन होता रहेगा कि आपकी तैयारी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की कितनी है और कितनी आपको करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप रियली में तन मन धन से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एकदम इस प्रकार से तैयारी करें कि 100% वो चीज़ आपको अचीव हो जाए। ठीक है, पूरे मन से आप उस चीज़ की लिए तैयारी करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।